thank <music> you सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यस वी आर लाइव नाउ सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कल हमने स्टार्ट किया था गियर और गियर में कल ज्यादा बात नहीं कर पाए थे है ना कल कुछ टेक्निकल इशू कर पाए थे बस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी गियर की और आज से हमें स्टार्ट करना है द क्लासिफिकेशन ऑफ गियर आज से मैं बात करनी है क्लासिफिकेशन की क्या है क्लासिफिकेशन वो हर एक पॉइंट उसका क्लियर रखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना ये सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ गियर चलिए सो माय डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं गियर के क्लासिफिकेशन की तो गियर के क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर आए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए गियर के हिस्ट्री में वैसे वैसे हमें कई टाइप के नाम दिखते गए इसमें और डिफरेंट डिफरेंट गियर का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिखता गया डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स दिखता गया सर अगर मैं बात करूं स्पर गियर के बाद अगर हेलिकल गियर आया है तो स्पर गियर में कुछ कमी थी उसको कम करते हुए हेलिकल गियर आया है इसका मतलब गियर में लगातार मॉडिफिकेशन होता गया सो चलिए इसी सेशन में इसी सीरीज के अंदर मैं आपको गियर के इस कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ टाइप्स इनके बारे में बात करना चाहता हूं और कुछ ऐसे यूजेस जो आपको देखकर आश्चर्य लगेगा कि गियर ऐसा भी कर सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दिस न्यू एंड वेरी ब्यूटीफुल क्लास 9:30 एएम पे डेली हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं इसी YouTube चैनल पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है चलिए

जिससे आप अन अकेडमिक लर्निंग एप इंस्टॉल करके आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं दिस इज द पासवर्ड आलोक लाइव अगर आप पासवर्ड की बात कर ही रहे हैं तो आलोक लाइव आपके अनएकेडमिक कॉम्बेट के लिए भी एक पासवर्ड है अगर आप कॉम्बेट का हिस्सा बनना चाहते हैं अनएकेडमिक कॉम्बेट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो अनएकेडमिक कॉम्बेट के अंदर आपको जो टेस्ट होगा उसका अगर कोई पासवर्ड अगर मांगा जाता है तो आलोक लाइव दैट्स इट आलोक लाइव क्या है आलोक लाइव इन सारे टेस्ट टेस्ट के लिए एक पासवर्ड है अच्छा आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल है यू कैन सी दिस गाइस आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग अभी तक इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो फटाफट जाओ और जुड़ जाओ आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल या तो सर्च करना है आलोक लाइव या आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्यूटीफुल टॉपिक ब्यूटीफुल नेचर से बिल्कुल आवाज एकदम सही आ रही है एकदम पहली बार तो आवाज की टेस्टिंग एक बार हो जाए यस सर आज साउंड फुल क्लियर है यस तो कल की जो कल जो प्रॉब्लम हुई उसको पूरा सुधार लिया गया था दिन में ही ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से, से सेशन को ठीक है ना द हार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज गियर गियर के स्टार्टिंग करते हैं और कल मैंने आप लोग को यहां बताया था माइ डियर फ्रेंड वट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज यह भी बताया था वट इज गियर यह बताया था इसके बाद ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पूरा चीजें बताई थी डियर सो डोंट टेक एनी टेंशन ये सारी चीजें हमने कल की थी और सारी चीजें होंगी ठीक है ना देन आज से स्टार्ट करना है डियर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर तो गियर को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में क्लासिफाइड किया गया अलग अलग तरीके से तो आज हम जो आपको क्लासिफिकेशन सिखाने वाले हैं वो तीन टाइप के कुछ क्लासिफिकेशन हैं यू कैन सी दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वन साफ्ट के एक्सेस के हिसाब से हम आपको सिखाने वाले हैं दैट्स मीन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ साफ्ट साफ्ट की एक्सेस कैसी है क्या है उसके ऊपर बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी पिचलाइन वेलोसिटी क्या है सर v इक्वल टू आर ओमेगा कल ही सुना था ना जी सर जब गियर रोटेट करता है तो हर एक गियर का वेलोसिटी होता है जो पिच पॉइंट के थ्रू पास करता है वो वेलोसिटी वेलोसिटी पॉइंट के टेंजेंट होता है वो यहां आके बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी देन नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सटर्नल गियर इंटरनल गियर ये सारी चीजें आएंगी ठीक है ना तो तीन टाइप से डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बोलूं तो तीनों इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो आपको मैं बता देता हूं वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ साफ्ट अगर आपने इसको कंप्लीट किया है तो आप सब कुछ कर सकते हो ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ साफ्ट अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट साफ्ट के एक्सेस के हिसाब से गियर को देखूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ साफ्ट Now, मेरे बच्चों ध्यान से देखना बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ साफ्ट हम बात कर रहे हैं गियर की गियर को साफ्ट के एक्सिस के हिसाब से डिवाइड किया गया जैसे अगर साफ्ट के एक्सिस है दोनों पैरल एक्सिस है मान लीजिए एक साफ्ट ये है दूसरा साफ्ट ये है और गियर इसके ऊपर क्या है लगा हुआ साफ्ट एक्सिसके नाउ सेकेंड इंटरसेक्टिंग साफ्ट व इंटरसेक्टिंग एक साफ्ट और दूसरा साफ्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ना कहीं ना कहीं कट कर रहा है चाहे जैसे भी हो कट कर रहा है साफ्ट की एक्सेस एक दूसरे को कट कर रही है तीसरा ना ही कट कर रही है और ना ही पैरेलल है ठीक है ना आई थिंक आप देख सकते ना ही कट करेंगे एक दूसरे को और ना ही पैरेलल होंगे ऐसे होंगे ठीक है ना इसके अलग अलग भी ना ही कट करेंगे ना ही पैरेलल होंगी ठीक है ना सो यू कैन सी दिस द वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स पैरल इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा डियर कि पैरल साफ्ट इंटरसेक्टिंग साफ्ट और नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर ध्यान रखिएगा नाउ माई डियर फ्रेंड अगर बात करना चाहूं पैरल साफ्ट पैरेलल फ्ट में अगर बात करूं तो सबसे पहला गियर है दैट इज स्पर गियर देन हेलिकल गियर अब हेलिकल में दो टाइप का गियर है एक है सिंगल हेलिकल एक है डबल हेलिकल ओके मैं अभी सारी कहानी समझाऊंगा आपको हो क्या रहा है सारी चीजें नाउ इंटरसेक्टिंग साफ्ट में बीबल गियर कॉन्फ्लेक्स गियर जीरोल गियर स्पाइरल गियर मिट्रे गियर एंगुलर गियर क्राउन गियर ये सारे गियर के नाम याद रखना मैं नोट्स आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ओके नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल क्रॉस हेलिकल हाइपोइड एंड वॉम गियर क्रॉस हेलिकल गियर हाइपोइड गियर एंड वॉम गियर सो दिस इज द नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल साफ्ट, ओके डियर चलो अब हम अगर बात करना चाहें माय डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस एक-एक करके हम स्टार्ट करते हैं गियर को जो हमने पैरेलल शाफ्ट में क्लासिफाइड किया गियर को जो हमने पैरेलल शाफ्ट में क्लासिफाइड किया कि एक शाफ्ट ऐसे और दूसरा शाफ्ट ऐसे है बोथ एक्सिस आर पैरेलल यू कैन सी दिस अगर मैं बात करूं गियर बॉक्स की ये क्या है डियर दिस इज द गियर बॉक्स अब गियर बॉक्स के अंदर तुम साप के एक्सेस देखो देखो एक साप ऐसे जा रहा है जी सर और दूसरा साप सर ये रहा डियर यू कैन सी दिस वन एक्सेस ऑफ दिस सेकेंड एक्सिस ना एक एक्सिस ये दूसरा एक्सिस ये है बेटा एक गियर का दूसरे गियर से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है यू कैन सी दिस इस गियर से इस गियर में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों हम रैकपिनियन को यहाँ सिखाने आए हैं ठीक है आपने स्पर हेलिकल और डबल हेलिकल तो देखा बिल्कुल देखा रैक एंड ओपिनियन पैरल नहीं देखा होगा मैं आपको बताऊंगा अभी रैक एंडियन क्यों लिया है वाई ठीक ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला खतरनाक गियर जो इससे हमारे गियर का जन्म हुआ गियर के इतिहास में अगर कोई पहला गियर का नाम ले तो उसका सबसे पहला नाम आता है स्पर गियर सबसे पहला नाम हमारे जुबान पे क्या आता है दैट इज स्पर गियर स्पर गियर होता क्या है सर स्पर गियर हेलिकल गियर गियर हाइपोइड गियर स्पाइरल गियर बेबल गियर मिटरे गियर इन सबका थ्यूरी पढ़ना है क्या नहीं बेटा मेरे रहते थ्योरी तो तुम्हें थ्योरी लगेगी ही नहीं मैं गारंटी देता हूं बस तुम थोड़ा फोकस करके ध्यान से पढ़ लो फोकस करके थोड़ा ध्यान से पढ़ लो मेरे रहते थ्योरी तुम्हें थ्योरी नहीं लगेगी ठीक है ना सुनना मेरी बात अगर कोई कहे इतिहास का सबसे पहला गियर देखो बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हें फिर किताब के अंदर जो थ्योरी भर भर के लिखी है ना उसको नहीं पढ़ना है ठीक ना आई रिक्वेस्ट एवरी वन ठीक है ना देखो एक बड़ा गियर है एक छोटा गियर है चवन इज द ड्राइवर विचवन इज द ड्राइवर बिगर और स्मोलर कमेंट बॉक्स में भर दो कमेंट बॉक्स में भर दो विचवन इज द ड्राइवर कौन ड्राइवर है बिगर और स्मोलर कौन ड्राइवर है कमेंट बॉक्स में भर दो ना अब अगर बात करना चाहू इसका एक्सेस एक है दिस इज द एक्सेस ओके ना इस छोटू का एक एक्सेस एक है यस सर ना इसका एक एक्सेस है ठीक है ना इसका एक एक्सिस है ये और इस छोटू का एक्सिस है ये बोथ एक्सिस आर व्हाट सर बोथ एक्सिस आर पैरेलल ओके बोथ एक्सिस आर व्हाट दोनों एक्सिस क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं बिल्कुल स्मॉलर इज अ ड्राइवर वेरी गुड क्यों होता है कल ही बताया था एक बार कमेंट बॉक्स में वो भी भर दो क्यों होता है स्मॉलर ड्राइवर दिस इज द ड्रिवन और दिस इज द ड्राइवर और कल ही बताया था ड्राइवर को हम डीवीआर लिखेंगे और ड्रिवेन को डीवीएन लिखेंगे कल सिर्फ चीजें बताई थी, थी मतलब बेसिक चीजें कल सिखाई थी और कुछ नहीं था हम अपने इस पर पे। इस पर क्या है सर, okay. चलो, चलो, चलो। बिल्कुल स्मॉलर इज अ ड्राइवर व्हाई बिकॉज मिनिमम टॉर्क लगता है इसके ऊपर क्या लगता है मिनिमम टॉर्क चलो स्पर गियर के अंदर थोड़ी सी चर्चा करते हैं गियर अब जितना सिखाऊं उतना ध्यान से सुनना जितना सिखाऊं जितना सिखाऊं उतना ध्यान से सुनना अब स्पर गियर को अगर आप देख रहे हो तो ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है जी सर। ये कटे हैं। जी सर सर ये कटे हैं अब देखो ध्यान से अगर मैं इसको ऊपर से देखूं कुछ मैं ऐसे देख रहा हूं लेटर सपोज मैं यहां से देख रहा हूं मैं यहां से देख रहा हूं डियर तो मेरे को ये टीथ और ये टीथ दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल और ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं इंगेज होते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल सर चलिए देखते हैं बेटा इस पर गियर में गया मैं तो मैंने ऊपर से देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा एक गियर ऐसे दिख रहा था जिसके साफ्ट की एक्सिस ये थी और दूसरा गियर ऐसे दिख रहा था ठीक है ना एक बड़ा एक छोटा कर देते हैं चलो दूसरा गियर हमें ऐसे दिख रहा था जिसके साथ की एक्सिस ये थी नाउ बच्चे लोग यू कैन सी दिस दिस गियर नंबर वन एंड दिस इज अ गियर नंबर टू इन दोनों के साथ की एक्सिस आपस में क्या है पैरेलल है बिल्कुल हम पढ़ भी रहे हैं गियर आर पैरेलल साफ बिल्कुल ये दोनों का साथ क्या है एक दूसरे के पैरल है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ध्यान से सुनोगे तो पीत कैसा है? जब स्टार्टिंग में गियर बना ना तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था तो हमने क्या किया सारे टीथ जो थे ना खड़े खड़े मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट टीथ कट कर दिए ठीक है ना सुनिएगा मेरी बात ध्यान से इस पूरी कहानी के अंदर पूरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा इस पूरी कहानी के अंदर मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं गियर का ठीक ना आज के बाद जीवन भर याद रखना इस कहानी को जो कहानी जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसको पूरी जीवन भर ध्यान रखना द गॉड ऑफ थ्यूरी ऑफ मशीन इज वॉट ग्रेस ऑफ ठीक है ना ग्रेस ऑफ इज द गॉड ओके डन ठीक है ना वो कहानी एक कंप्लीट हो गई अब गियर की कहानी आज से स्टार्ट हो रही है ठीक है ना इस, इस गियर की कहानी में एक पात्र है हमारा बॉस बॉस और एक पात्र है असिस्टेंट पुराने जमाने में होता क्या था जब गियर को हमने डिफाइन किया मैं आपको ये कहानी जो बता रहा हूं इस कहानी में थोड़ी बहुत चीजें सच्चाई हैं और थोड़ी बहुत चीजें क्या हैं आपको मतलब मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है ठीक है ना और बॉस और असिस्टेंट जो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं चल के आपस में दो लोगों का कन्वर्सेशन है जिससे मैं आपको पूरा गियर समझाने वाला हूं तो आई रिक्वेस्ट टू तो एवरी प्लीज सी दिस और उस कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं ना और उससे आपको तो याद रहेगी सारी थ्योरी गारंटी दे रहा हूं मैं ठीक है ना हाँ एक इस कहानी में एक है बॉस एक है असिस्टेंट अब ये बॉस असिस्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं बॉस वो है जो एक जाना माना पीएचडी का एक बेहतरीन मतलब कहते हैं ना एक जाना माना रिसर्च स्कॉलर है एक बॉस वो है असिस्टेंट वो है जो अभी नया नया पढ़ने आया है और उसके अंडर में आया उस प्रोफेसर के अंडर में आया है कि चलो भाई सर आप हमें पढ़ाओगे सर आप हमारे गाइड हो ये वो ठीक है ना जैसे आप लोग एमटेक में जाओगे तो अपना एक गाइड चूज करोगे तो गाइड हो गया आपका बॉस और आप हो गए उसके असिस्टेंट ठीक है ना मैं इस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूं ध्यान सुनना दोनों रिसर्च स्कॉलर है बट एक सीनियर है एक जूनियर है ठीक है ना तो एक बॉस एक असिस्टेंट है बॉस को थोड़ा ज्यादा आता होगा और असिस्टेंट को थोड़ा कम आता होगा इस कहानी में ये दोनों पात्र हैं इन्हीं दोनों पात्र ने आपको गियर पढ़ाना है ध्यान सुनना अब बॉस ने असिस्टेंट से बोला कि जा कुछ ऐसा ढूंढ कर ला जिससे हमें हंड्रेड परसेंट पावर मिले तो असिस्टेंट भागता हुआ गया और दो फ्रिक्शनल डिस्क लेकर आ गया जिसकी कहानी मैंने कल आपको बताई थी कि दोनों फ्रिक्शनल डिस्क लेकर आया और दोनों फ्रिक्शनल डिस्क आपस में घूम रहे थे बॉस ने बोला इसके अंदर स्लिप हो सकता है तो असिस्टेंट बोलता है कि काम करते हैं सर इसके ऊपर टीथ कट कर देते हैं टीथ कट करते हैं मतलब एक ग्रूव कट कर देते हैं टीथ कट करने का मतलब क्या है कि दो स्पेस के बीच में एक, एक, एक स्पेस कट कर देना ग्रूव कट कर देना ग्रूव कट कर दो ग्रूव कट कर दो जब हम ग्रूव कट करेंगे तो अपने आप टीथ बन जाएगा ठीक है ना सर इसके ऊपर टीथ कट कर देते हैं और टीथ कट करने से सर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सर इसके ऊपर टीथ कट कर देते हैं और टीथ कट करने से फ्रिक्शन अच्छा होगा स्लिपिंग के चांसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे बॉस ने बोला बहुत अच्छी बात है जा टीथ कट कर तो असिस्टेंट के दिमाग में कुछ आता नहीं है उसने क्या करना शुरू करता है सुनिएगा ध्यान से ठीक है ना सुनिएगा थोड़ा ध्यान से असिस्टेंट के दिमाग में कुछ आता नहीं है वो कहता है यार टीथ कट करना असिस्टेंट भागता हुआ जाता है गियर के ऊपर सीधा सीधा टीथ कट करता है एकदम सीधा ये ये, ये. तो सारे टीथ को क्या रखता है स्ट्रेट रखता है ध्यान रखिएगा मैं जीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूं तो सारे के सारे टीथ क्या करता है एकदम स्ट्रेट कट करता है ये सारे क्या है डियर ये सारे टीथ ये सारे के सारे टीथ क्या है डियर स्ट्रेट है स्ट्रेट टीथ का मतलब क्या है सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट टीथ जो भी हैं यू कैन सी दिस साफ्ट के एक्सिस से पैरल हैं ये टीथ साफ्ट की एक्सिस अगर ये है तो उससे पैरल है ये टीथ यस और नो साफ्ट की एक्सिस ये है और उससे पैरल है ये सारे टीथ बिल्कुल सर पैरल तो होगा टीथ स्ट्रेट है अगर मान लो मैं कह रहा हूं टीथ स्ट्रेट है तो भैया साफ्ट की एक्सिस भी ये तो ही है ना पूरा देखो साफ्ट की एक्सिस से हैं सारे टीथ ठीक है ना मतलब टीथ स्ट्रेट है बिल्कुल अच्छा इस रेड वाले पे भी देख लेते हैं टीथ क्या भैया स्ट्रेट होगा कॉमन सेंस आप इस पर गियर हो उसको कुछ पता नहीं था इतिहास का पहला गियर बना रहा था ठीक है ना जब टीथ स्ट्रेट हुआ तो असिस्टेंट क्या करता है सामने नहीं असिस्टेंट करता क्या असिस्टेंट कहता है यार मैं इसको घुमा कर देख लेता हूं तो जब ही असिस्टेंट क्या करता है इसको ऐसे घुमाता है छोटे वाले को बड़ा वाला अपने आप घूमता है और मजेदार तरीके से असिस्टेंट एकदम तो खुश कहता है यार 100 परसेंट पावर ट्रांसमिट हो रहा है क्या हो रहा है 100 परसेंट पावर ट्रांसमिट हो रहा है असिस्टेंट ने भी धीरे धीरे घुमाना शुरू किया और कहता है अरे यार ये तो हंड्रेड परसेंट पावर ट्रांसमिट हो रहा है दुनिया का ध्यान से अच्छा भागता हुआ जाता है किसके पास बॉस के पास कहता है बना लिया बना लिया बना लिया सर जो चाहिए था वो मिल गया हंड्रेड परसेंट पावर ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस यानी कि गियर जो चाहिए था मुझे वो इतिहास में बन गया इतिहास के पन्नों में छप गया आज से इतिहास का पहला गियर बन गया तो कहते हैं अच्छा तो बॉस चलता है कहता है, चलो दिखाओ जरा मुझे भी कैसा है वो बॉस भागता हुआ आता है कहता अच्छा देखते हैं जरा क्यूरसिटी के साथ आता है भाई कि बनाया है भाई चलो भाई कुछ तो नाम होगा अब तुम कोई खोज कर लो तो अब तुम्हारे प्रोफेसर को तुम्हारे गाइड को तो ज्यादा खुशी होगी क्योंकि तो उनका भी नाम आने वाला है बिना मेहनत के उनका भी नाम आने वाला है उसमें बिल्कुल आने वाला है ठीक है ना अब देखो ध्यान से हुआ क्या जब वो यहां आए उन्होंने देखा हालत उन्होंने टीथ को क्या देखा स्ट्रेट कहते हैं चला कहते हैं असिस्टेंट को तू चला बहुत समझ जाता है बहुत समझ जाता है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ठीक है ना असिस्टेंट को कहते हैं चल चला इसको तो असिस्टेंट इसको धीरे 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 घुमाता है। कहते है, देखो देखो कितना मस्त चल रहा है हंड्रेड परसेंट पावर कहता है थोड़ा स्पीड में चला थोड़ा स्पीड बढ़ा इसकी तो असिस्टेंट क्या करता है जो ड्राइवर साफ है दिस इज द ड्राइवर दिस इज द ड्राइवर एंड दिस इज द ड्रीवन ड्राइवर साफ्ट को मोटर से कनेक्ट कर देता है और दे दनादन स्पीड बढ़ा देता है गियर की भाई साहब स्पीड बढ़ती है नॉइज स्टार्ट एकदम कट 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 इसकी आवाज आनी शुरू असिस्टेंट सोच रहे हुआ क्या थोड़ी देर के बाद गियर के टीथ जो है ना कोई मुड़ गया कोई टूट गया कोई टूट के असिस्टेंट के मुंह पर आकर लग गया बेचारे के चोट भी लग गई उसको तो समझ नहीं आया हो क्या रहा है सारे के सारे गियर कुछ देर के बाद जाकर अपने आप जाम हो गए किसी का टीथ मुड़ गया कोई बैंड कर गया कोई टूट गया कुछ भी हो गया हाई स्पीड पे ऐसा हो गया अब इस सोच रहा हुआ क्या सर अब सुनिएगा मेरी इसी बात को बॉस कहता है कि भाई साहब आपका टीथ क्या है स्ट्रेट है आपका टीथ क्या है स्ट्रेट है सुनने की कोशिश कीजिएगा आपको अगर यह कहानी अभी थोड़ी देर में समझ में आए तो मेरे को बताइएगा आपका टीथ क्या है स्ट्रेट है कहता हां सर टीथ स्ट्रेट है तो तो भाई साहब अगर आपका टीथ स्ट्रेट है तो आप अगर स्पीड बढ़ा दिए तो उससे जानते हैं क्या हुआ सडन एंगेजमेंट एंड डिस हुआ सडन एंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट हुआ ठीक है ना सडन इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट हुआ बात समझ में आई सडन इंगेज और डिसंगेज होने के कारण सुनिएगा मेरी बात सडन इंगेज और डिस होने के कारण क्या हुआ अब सुनिएगा आप अपने उंगलियों को सीधा कर लो अपने घर में बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है फोन को बगल में रख लो अपने उंगलियों को सीधा कर लो जी सर उंगलियां कैसी हैं सर सीधी सीधी उंगलियां टेढ़ी कोई भी नहीं है सीधी सीधी जी, सीधी। जी सर अब ये मान लो गियर का टीथ है अब लगाओ हाथ अपने ठीक है ना ऐसे फंसा लो दिस इज द गियर अब मैं कह रहा हूं चलाओ जरा इसको जरा सर धीरे धीरे चलाओगे तो चलेगा जी सर लेकिन हाई स्पीड में चलाकर देखो क्या लग रहा है सर टकरा रहा है उंगलियां आपस में टकरा रही हैं हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो जरा खुद से सडन एंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होगा ये टीत इस पर कूदेगा और ये टीत इस पर कूदेगा और दोनों ऐसे तेजी से चलेगा सडन इंगेज होने से बेटा आपको याद होगा आपने सोम में पढ़ा है कि जब जब इतिहास में सडन लोड लगेगा हमेशा क्या बढ़ेगा इंपैक्ट स्ट्रेस इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा बेटा मैक्सिम ठीक है ना जब जब इतिहास में सडन होगा सडन इंगेजमेंट और डिस तो उसकी वजह से क्या होगा डियर इंपैक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई इंपैक्ट फोर्स लगेगा इंपैक्ट फोर्स बोलो या इंपैक्ट स्ट्रेस बोलो चाहे जो बोलना चाहते हो ठीक ना इंपैक्ट स्ट्रेस क्या लगेगा एक दूसरे के ऊपर टकराना शुरू हो जाएंगे इससे क्या होगा गियर के टीथ टूटना शुरू हो जाएंगे मेरे भाई ध्यान से सुनना ठीक ना इससे क्या होगा गियर के टीथ आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे और इनका आपस में क्या हो जाएगा टूटना शुरू हो जाएंगे इफ द इंपैक्ट स्ट्रेस इज मैक्सिमम। अगर इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है बेटा मैक्सिमम है अच्छा एक चीज बताओ जरा इस पर गियर में मैंने एक चीज ध्यान से नहीं देखा इस पर गियर में टीथ कैसे होते हैं ये तो लिखा नहीं टीथ आर स्ट्रेट ठीक है ना असिस्टेंट ने क्या किया था टीत सीधा बनाया टीत सीधा बनाया उसके कारण क्या हुआ सडन एंगेजमेंट डिसमेंट जिसके कारण क्या हुआ इंपैक्ट स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ तो इंपैक्ट स्ट्रेस मैक्सिमम होने की वजह से टीत टूट गए यस और, और नो सारे के सारे टीथ के ऊपर इंपैक्ट स्ट्रेस आया टीथ टूटना शुरू हो गए बिल्कुल सर होगा तो इसकी वजह से अब असिस्टेंट एकदम नाराज कहता है सर मैंने गियर बनाया इतनी मेहनत से और ये फेल हो गया अब मैं क्या करूं कहता है बॉस कहता है तू परेशान ना हो तेरी मेहनत को एक नाम दूंगा कहता है क्या दोगे कहता है एक काम कर तू जा इतिहास के पन्नों में ये चिपका और नीचे जाके लिख जरूर देना इसका यूज करिएगा इसका यूज वही करिएगा जहां लो पावर ट्रांसमिशन हो रहा हो इसका यूज वही करिएगा जहां लो पावर ट्रांसमिशन हो रहा हो इतिहास के पन्नों में इस गियर का नाम आगे चल के कहलाया इस पर गियर जिसका यूज हम करते हैं लो पावर ट्रांसमिशन अब लो पावर ट्रांसमिशन कहां कहां होता है सर कैसे कैसे होता है सर थोड़ा थोड़ा बताइए जैसे सबसे पहला गियर आपके हाथों में है घड़ी घड़ी वॉच है कि नहीं है सबसे पहला लो पावर ट्रांसमिशन पे जो हमारा गियर काम करता है घड़ी अच्छा गर्मी का सीजन आ गया है गन्ने का जूस खूब पी रहे हो गए आजकल पीते हो हाँ सर पीते हैं जब पीते हो तो थोड़ा जाकर देखना गन्ने वाले भैया जो रोलिंग रोलर जो होता है उसको जो चलाते हैं उसके जस्ट बगल में गियर घूमता रहता है उनके जरा ध्यान से जाकर उस गियर को देखना टीत उसका सीधा होगा क्यों क्योंकि उस गन्ने के रोलर जो चलता है ना उसमें ज्यादा स्पीड नहीं चलानी है हमें इतना स्पीड नहीं चलाना है कि भगाते रहना एकदम गन्ना डालो फट से बाहर निकला उधर ना ऐसा नहीं होता धीरे धीरे गन्ना जाता है धीरे धीरे जाएगा तो ज्यादा ज्यादा जूस निकलेगा उसका तो मेरे भाई उसके गियर को जरा ध्यान से देखना ठीक ना उसके गियर को जरा ध्यान से देखना असिस्टेंट कहता है वाह बॉस वाह तूने कर दिया कमाल क्या हुआ ठीक है ना सुनिएगा ध्यान से टीत स्ट्रेट होने की वजह से सडन इंगेजमेंट हुआ सडन डिस हुआ ठीक है ना जिसकी वजह से इंपैक्ट स्ट्रेस मैक्सिमम हुआ और हम इसको हाई पावर पे यूज नहीं कर पा रहे हाई पावर पे यूज नहीं कर पा रहे इसलिए हम कहा घड़ी ठीक है watch, मतलब ना अच्छा इंसान की इच्छा क्या है आप आप गियर बना रहे हो आपकी इच्छा क्या है कॉमन सेंस आप बताना आप गियर बना रहे हो आपके भी तहे दिल की इच्छा है कि सर एक काम ऐसा करते हैं गियर हम बना ही रहे हैं तो लो पावर पे क्या चलाना हमारी तो इच्छा होगी हाई पावर पे चलाने की बिल्कुल होगी भाई तुम्हारी भी इच्छा होगी हाई पावर पे गाड़ी चलाने की गियर चलाने की बिल्कुल सर इंसान की इच्छा क्या लो पावर है क्या आप लोग बताइएगा नहीं सर क्या है हाई पावर ट्रांसमिशन गियर चले तो एकदम खतरनाक स्पीड से चले ठीक है ना जैसा आपने यहां देखा गियर बॉक्स के अंदर गियर चले तो एकदम खतरनाक स्पीड चले खटाखट एकदम स्पीड में तो हमारी इच्छा क्या है हाई पावर ट्रांसमिशन की ठीक है सर तो हम देखने गए प्रॉब्लम क्या है ठीक है ना बॉस ने कहा असिस्टेंट को जाओ देखो प्रॉब्लम क्या था किस वजह से ऐसा हुआ तो असिस्टेंट कहता है सर प्रॉब्लम तो ये लो पावर ट्रांसमिशन है हमें तो चाहिए हाई ठीक है इसके बाद ये भागता हुआ गया कहता है लो किसकी वजह से हुआ कह रहा है यार इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा हो गया यार ठीक है ना क्या हो गया ज्यादा हो गया यार प्रॉब्लम तो ये भी है कहता नहीं मेन प्रॉब्लम सडन एंगेजमेंट डिसंगेजमेंट है मेन प्रॉब्लम क्या है सडन एंगेज डिसमेंट कहता है नहीं 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 मेन प्रॉब्लम सडन एंगेज नहीं है मेन प्रॉब्लम है ये सोच मेन प्रॉब्लम है ये क्या ये इसका क्या है सीधा है सीधा है इस वजह से सडन एंगेज हुआ उसी वजह से इंपैक्ट बढ़ा इसीलिए हम लो पे यूज करते हैं मतलब मेन प्रॉब्लम ये तीतार स्ट्रेट पैरल है कोई दिक्कत नहीं है साफ्ट की एक्सेस पैरल है देर इज नो प्रॉब्लम ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें बट टीथ स्ट्रेट है उससे हमें प्रॉब्लम तो किया क्या जाए किया क्या जाए अब बॉस से पूछता असिस्टेंट के सर मेन प्रॉब्लम तो पता चल गया टीथ सीधा है इसलिए टकरा रहा है बॉस कहता है एक काम करो टीत सीधा मत करो थोड़ा सा एक काम करो हल्का सा किसी एंगल पे कर दो कॉमन सेंस यार अब सीधा नहीं कर सकते तो आप कर क्या सकते हैं एंगल पे कर दो बॉस ने कहा कि काम करो एंगल पे कर दो और जब एंगल पे किया देखो आप अपनी उंगलियों को एंगल पे फंसा कर देखो और हाई स्पीड में चला कर देखो मस्त एकदम मक्खन की तरह चल रहा होगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है बिल्कुल चलेगा ना अब असिस्टेंट कहता है कि टीत को क्या करना है हमें स्ट्रेट नहीं अब टीथ को करना इंक्लाइंड और जब ही टीथ को इंक्लाइंड किया गया इतिहास में एक नया गियर जन्म लेता है जिसमें टीथ क्या है सारे के सारे इंक्लाइंड टीथ और एक गियर का जन्म होता है दैट इज हेलिकल गियर अभी मैं हेलिकल गियर पर वापस आता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर गियर देखो कुछ ज्ञान मैंने आपको दिया कुछ ज्ञान मैंने आपको दिया कुछ चीजें मैंने आपको समझाई है वो यहां लिखा है यू कैन सी दिस अब क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, में कैसा होता है? इस पर में बनता है. क्यों क्योंकि हायर पेयर होता है ऐसा नहीं है लाइन कॉन्टेक्ट बनता है ठीक है तो यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रेट स्पर गियर आर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गियर है कनेक्ट टू टीथ टेक प्लेस ओवर दर विदॉन्ग द लाइन ऑफ पैरलो यही लाइन लिखा है ना क्या होता है नो एक्सल थ्रस्ट हाँ सबसे बड़ी बात तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं दन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये अकेला ऐसा गियर था मतलब तो आप जरा देखो ध्यान से तो आप कहोगे कि यहां जितना भी लिखा है सब गियर का डिसएडवांटेज है क्यों हमें लो चाहिए नहीं सर ये डिसएडवांटेज तो है हमें जो नहीं चाहिए वो डिसएडवांटेज है हमें इंपैक्ट स्ट्रेस मैक्सिमम चाहिए नहीं सर डिसएडवांटेज चाहिए नहीं सर डिसएडवांटेज ये सब डिस गियर का कहते हैं ना किसी के अंदर इतनी सारी कमी है तो उसके अंदर एक तो खूबी होगी होगी कि नहीं होगी बिल्कुल होगी तो उसके अंदर एक तो खूबी होगी और वो खूबी है स्पर गियर के अंदर क्या द एडवांटेज ऑफ स्पर गियर क्या होता है बेटा एडवांटेज ऑफ स्पर गियर क्या होता है डियर द एडवांटेज ऑफ द स्पर गियर इज थ्रस्ट नहीं होता है देर इज एक्सियल थ्रस्ट द मीनिंग ऑफ एक्सियल थ्रस्ट अब देखो ये दोनों गियर घूम रहा है जी सर मजे से घूम रहा है जी सर एक्सिस क्या है ये है जी सर क्या एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं सर एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं सर ध्यान से देखिएगा क्या एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं ध्यान से चेंटू देखिए क्या एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं सर अगर एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है थोड़ा तो ध्यान से सुनना तो इसका मतलब है देयर इज नो एक्सियल थ्रस्ट का मतलब यहां क्या हो गया फोर्स ठीक है ना इन गियर, इन गियर. अब तुम पूछेगा तुमसे अगर कोई एक्सेल थ्रस्ट नहीं होता इस पर गियर के अंदर किसकी वजह से तो तुम सोच रहे होगे, कि एक्सेल थ्रस्ट किसकी वजह से नहीं हो रहा है साफ्ट पैरल है इसकी वजह से नहीं नो एक्सेल थ्रस्ट इन गियर ऑफ़ टीथ आर स्ट्रेट, टीथ सीधा है इसलिए कोई एक्सेल नहीं होता ठीक है ना टीथ सीधा है और पैरल है साफ्ट के एक्सिस से साफ्ट के एक्सिस से टीथ क्या है डियर पैरल है इसलिए कोई एक्सेल थ्रस्ट नहीं लगता एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगता सारा फोर्स इधर और इधर मतलब रेडियली सारे फोर्सेस होते हैं एक्सियली कोई फोर्स नहीं होता यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेडियल फोर्स होता है क्या तो आप एकदम खुल के कहना यस रेडियल फोर्स होता है एक्सियल फोर्स नहीं होता ठीक है न देर नो एक्सियल फोर्स ठीक है डियर इज दैट क्लियर चलो अभी मैं आगे चलूंगा जब कॉन्टेक्ट रेशियो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इस पर गियर का एक साथ कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है दो से तीन हो जाता है ना दो से तीन टू टू थ्री कॉन्टेक्ट रेशियो होता है इस पर गियर का अकेला ऐसा गियर है अदरवाइज वन और टू के बीच में ही होता है सबका कॉन्टेक्ट रेशियो ठीक है तो टीथ को इनक्लाइंड करने पहुंच गए हम कहां पहुंच गए हेलिकल गियर टीथ को क्या करने टीथ को इनक्लाइंड कर टीथ को इनक्लाइंड करने हम कहां पहुंच गए डियर हेलिकल गियर के पास यू कैन सी दिस को इंक्लाइंड करने हम पहुंच गए हेलिकल गियर के पास अच्छा चलिए हम हेलिकल गियर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं चलिए हेलिकल गियर हेलिकल गियर अब बॉस ने बोला एक काम कर बॉस ने बोला असिस्टेंट को कि एक काम कर ठीक है ना यू कैन सी दिस बॉस ने बोला असिस्टेंट को तू एक काम कर जा टीत को इनक्लाइंड बना ठीक है भाई असिस्टेंट भागता हुआ है हेलिकल गियर के पास कहता है भाई साहब अब तो बनेगा टीथ इनक्लाइंड सुनिएगा ठीक ना अब क्या बनेगा तो अभी भी पैरल है बट टीथ आर इनक्लाइंड ओके अभी सुनते रहना ध्यान सुनना। से सुनना टीथ कैसे है बिल्कुल. आर बिल्कुल अभी सुनते टीथ आर इनक्लाइंड अच्छा जी सर अगर टीथ इनक्लाइंड है मेरे बच्चे तो क्वेश्चन ये कहा गया कि टीथ जब इनक्लाइंड होगा तो क्या सडन इंगेजमेंट इंगेजमेंट होगा आपको क्या लगता है सडन होगा नहीं सर क्या होगा ग्रेजुअली अब सडन नहीं होगा तो क्या होगा ग्रेजुअली होगा तो वहां इंपैक्ट स्ट्रेस क्या जीरो हो जाएगा? नहीं सर अगर इंपैक्ट स्ट्रेस जीरो हो गया, तो गियर को टकरा के धक्का देकर घुमाएगा कौन इंपैक्ट स्ट्रेस जीरो नहीं होता कभी भी प्रेजेंट होगा मिनिमम होगा लेकिन होगा ठीक है ना तो लो पावर पे नहीं घूमेगा कहां घूमेगा हाई पावर पे कौन एलिकल तो इनक्लाइंट था तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसेजमेंट अब ग्रेजुअल एंगेजमेंट डिसेजमेंट हुआ इससे इंपैक्ट स्ट्रेस जीरो तो नहीं होगा इज प्रेजेंट प्रेजेंट बोल दो प्रेजेंट का मतलब है बस प्रेजेंट है थोड़ा बहुत ठीक है ना कहा यूज करेंगे पावर ट्रांसमिशन ठीक है ना असिस्टेंट को असिस्टेंट ने जब ही इसको इजाद किया और चेक किया मोटर कनेक्ट करके किससे ड्राइवर साफ्ट को ड्रीवेन साफ्ट से कनेक्ट किया गियर का और ड्राइवर साफ्ट का कनेक्शन किया मोटर से और चला कर देखा हाई स्पीड पर आई इस असिस्टेंट थोड़ा पीछे पिछली बार गियर का टीप टूट गया था ठीक है ना तो इस बार इस बार हाई स्पीड पे चला कर देखा और ये मक्खन की स्पीड में चल रहा था इतनी हाई स्पीड में चल रहा था कि दिल खुश हो गया दिल गदगद हो गया और भागता हुआ जाता है बॉस के पास अब बुला कर लाता है कहता है चलो देखो अपनी आंखों से देखो हमारे सपने को पूरा होते हुए यू कैन सी दिस हमारा सपना क्या है हाई पावर ट्रांसमिशन तो भागता हुआ बॉस आया कहता अच्छा वाओ हाई पावर ट्रांसमिशन पे हमारा गियर घूम रहा था ठीक है ना इतिहास में एक ऐसा गियर आ चुका है जो हाई पावर पे पावर ट्रांसमिशन स्पीड दे सकता है जी हाँ, उसका नाम था हेलिकल गियर जब उसके नाम को रखने की बारी आई मेरे बच्चों तो थोड़ा तो ध्यान से सुनना उसका नाम हेलिकल क्यों रखा गया उसका भी इतिहास है इसका नाम हेलिकल क्यों रखा गया इसका भी इतिहास है सो मेरे बच्चों ध्यान से देखो जरा जब आप इस टीत को देखते हो जब आप इस टीत को देखते हो तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये टीत किसी ना किसी एंगल पे क्या है इंक्लाइंड है बिल्कुल। ये किसी ना किसी एंगल पे क्या है इंक्लाइंड है और यही एंगल आगे चल के क्या बन गया साई यही एंगल क्या बन गया साई और दिस साई एंगल इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल ठीक है ना जब भी कोई चीज इंक्लाइंड हो रही है किसी एक्सिस से तो उसको हम कहते हैं हेलिक्स एंगल जैसे आप लोग थ्रेड वगैरह में देखते हो थ्रेड जानते हो ना एंड बोल्ट का थ्रेड जी सर उसमें भी आप देखते हो ना हेलिक्स एंगल हेलिक्स एंगल और हेलिक्स एंगल पर टीत है इसकी वजह से इसका नाम हेलिक्स एंगल की वजह से इसका नाम हेलिकल रखा गया ध्यान रखिएगा हेलिकल है गियर इसीलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि ये हेलिक्स एंगल पे था एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेलिक्स एंगल कितना होना चाहिए हेलिकल गियर के लिए तो मेरे बच्चे आज के बाद ध्यान रखना 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक हेलिक्स एंगल होना चाहिए मेरे बच्चे आज के बाद ध्यान रखना हेलिक्स एंगल कितना होना चाहिए 15 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए बहुत ही जमेदार मतलब खतरनाक पॉइंट है ये अगर 15 से 45 डिग्री नहीं दिया है ऑप्शन में एक बार इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया उसमें 15 से 45 डिग्री नहीं था उसमें ऑप्शन था 0 से 30 डिग्री तो बिल्कुल वो सही था बिल्कुल वो सही था कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यू कैन सी दिस बिल्कुल तो इंपैक्ट स्ट्रेस जहां ज्यादा होगा वहां वाइब्रेशन ज्यादा होगा इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगा तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा ठीक है ना तो यू कैन सी दिस तो हेलिक्स एंगल अच्छा इसका एक और खासियत है मैं आपको बताना चाहूंगा हेलिकल गियर के अंदर एक और खासियत गियर के अंदर आप एक और खासियत देखेंगे ये दो टाइप से टीथ कटे होते हैं देखिए इसका टीथ ऐसे ऐसे कटा इसका टीथ ऐसे ऐसे कटा दिख रहा है देखिए ध्यान से देखिए एक टीथ ऐसे कटा एक टीथ ऐसे ऐसे कटा और एक टीथ ये ऐसे कटा ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए सर थोड़ा टेढ़ा चला गया यू कैन सी दिस इसको थोड़ा समझाते हैं देखो इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड हेलिकल ये कहते हैं हम राइट हैंड हेलिकल ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड हेलिकल ये होता है हमारा राइट हैंड हेलिकल ये लेफ्ट हैंड हेलिकल है यह राइट हैंड हेलिकल है यू कैन सी दिस ठीक है ना यह कैसा है सर दिस इज राइट यह कैसा है सर दिस इज लेफ्ट यह राइट हैंड हेलिकल है और यह कह दिया दिस इज द लेफ्ट है राइट हैंड लेफ्ट हैंड से कनेक्ट हो सकता है कभी भी दो सेम चीज आपस में कनेक्ट नहीं होगी अगर इसमें भी राइट right हैंड इसमें भी राइट हैंड हेलिकल हुआ तो कभी भी कनेक्ट नहीं होगी राइट right का लेफ्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन बनेगा ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है ना ओके इतनी बात क्लियर है चलो अब मैं थोड़ी सी चीजें और क्लियर कर देता हूं थोड़ी सी चीजें और क्लियर कर देता हूं कि हेलिकल गियर के अंदर जब हमारा टीथ क्या था इंक्लाइंड था तो और क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं ठीक है ना टीथ को इंक्लाइंड करते इस बार इधर से लेते हैं क्या दिक्कत है तो दिक्कत नहीं ठीक है तो मेरे भाइयों जरा ध्यान से देखना एक्सिस कैसे है सर ये है एंगल क्या है सर ये है व्हाट इज दिस एंगल सर दिस एंगल इज साई यस और नो दिस इज साइड नाउ बच्चा लोग बच्चा लोग बच्चा लोग ध्यान से अगर मैं कहता हूं इस गियर को घुमाते समय टीथ के ऊपर एक लोड लग रहा था दट लोड इज कॉल्ड पी ये लोड लग रहा था टीथ के ऊपर दैट इज कॉल्ड पी तो बच्चा लोग इस पी का दो कंपोनेंट कटेगा बोलो हाँ यार बिल्कुल कटेगा सर इस पी का एक कंपोनेंट कटेगा जो डाउनवर्ड होगा मतलब यहां दैट इज पी कॉस साई और एक ये कंपोनेंट कटेगा पी साइन आई तो बच्चा लोग यहां ध्यान से देखो और मेरे को बताओ यहां क्या क्या है सर पी कॉस साई इज द एक्सियल फोर्स एंड पी साइन साई इज द रेडियल फोर्स यस और नो हाँ या ना हम क्या करने गए एक चीज ध्यान सुनना एक्सियल फोर्स आ रहा है बिल्कुल तो इसका मतलब मैं यहां एक लाइन लिख सकता हूं एक्सीयल प्रेजेंट ठीक है ना मैं यहां ये यह लाइन लिख सकता हूं बिल्कुल मेरे भाई थोड़ा इस पर गियर में चलो एक बार जी सर आ गए इस पर में ये सारा क्या है सर ये अकेला एडवांटेज है अगर ये कोई ये एक्सेल त्रस्ट जो है बेटा ये जो चीज है ये हमारा एडवांटेज है इस पर गियर का और ये क्या है डिसएडवांटेज हम हेलिकल गियर किस लिए लाए ताकि अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सके तो हुआ क्या हेलिकल गियर में इसका डिसएडवांटेज उसका एडवांटेज बन गया मतलब ये चीजें चेंज कर दी मैंने जब ही ये चीज चेंज की तो हमें वहां क्या मिल गया एडवांटेज मिल गया सडन वाला हो गया ग्रेजुअल इंपैक्ट कम हो गया और हाई पावर मिलना लग गया बट जो एक एडवांटेज था ना वो एडवांटेज हमारा खत्म हो गया यहां कहते हैं नो एक्सियल थ्रस्ट और वहां देखिए क्या लिखा है थ्रस्ट इज प्रेजेंट मतलब जो वहां एडवांटेज था वो यहां डिसएडवांटेज हो गया आर यू गेटिंग माय पॉइंट एक्सेल थ्रस्ट क्या लगना चाहिए नहीं सर बेटा आपको क्या लगता है जब ये गियर घूम रहा है तो कोई हथौड़ा लेके सामने से मारे चलेगा ये गियर मजेदार तरीके से घूम रहा है और कोई एक्सेस पे फोर्स लगाए तो गियर क्या सही से चल पाएगा नहीं सर हुआ क्या बेटा अभी भी हमारे दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई है हमारी इच्छा ये तो थी कि हाई पावर पे चले बट ये नहीं थी कि एक्सेल थर्स्ट प्रेजेंट हो जाए हमारे दिल की इच्छा यह तो थी हाई पावर पे चले बट यह नहीं थी कि एक्सेल हो जाए। ठीक है भाई अब इसको दूर करना है ठीक है ना बॉस ने असिस्टेंट से बोला एक काम कर दिमाग लगा और इसको दूर कर यह तो रहे हाई पावर तो रहे बट ये दूर कर इसको दूर कर कहता है सर अगर टीथ इंक्लाइंड हुआ ना तो आप एक्सियल त्रस्ट को दूर नहीं कर पाओगे एक्सएल तो होगा कहता अगर एक्सएल त्रस्ट होगा तो एक काम कर इसकी वैल्यू बहुत कम कर दे ताकि हमें कोई फर्क ना पड़े आर यू गेटिंग माय पॉइंट इसकी वैल्यू इतनी मिनिमम कर दे इतनी मिनिमम कर दे कि इससे कोई फर्क ना पड़े हमें कहता अच्छा चलो बॉस उसने क्या क्या दिमाग लगाया दिन रात एक करके पूरा दिमाग लगाया और इतिहास में एक नया गियर जन्म लेता है उसने एक हेलिकल गियर को दूसरे हेलिकल गियर से चिपका दिया ठीक है ना और एक नया गियर बनाया जिसका नाम था डबल हेलिकल गियर डबल हेलिकल गियर था यू कैन सी दिस और डबल हेलिकल गियर का एक नाम बहुत फेमस है इतिहास में ठीक है ना आई थिंक कई बार एच के एग्जाम में भी आ चुका है आप लोगों ने एच का फॉर्म भरा तो होगा तो आप लोगों को बता देता हूं एच के एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कई बार डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम आप देखो जाकर ये जो दूसरा नाम है डबल हेलिकल गियर का ये क्या है दिस इज हैरिंग बोन गियर ठीक ना डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम क्या है डियर दिस इज हैरिंग बोन गियर आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक ना इतिहास में एक ऐसा गियर जन्म लेता है सुनिएगा ध्यान से इतिहास में एक ऐसा गियर जन्म लेता है जो एक्सियल थ्रस्ट को क्या करने वाला था एक्सेल थ्रस्ट को मिनिमम करने वाला था और हाई पावर ट्रांसमिशन मेंटेन करने वाला था ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ डबल हेलिकल के अंदर जो एक्सेल थ्रस्ट क्या हो गया मिनिमम हो गया तो पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि इसके अंदर एक्सील थ्रस्ट क्या हो जाता है डीएम? एक्सील थ्रस्ट इज मिनिमम ठीक ना अगर आपसे कोई खासियत पूछे ना तो आप उसको हमेशा यही बताना डबल हेलिकल गियर का एक ही खासियत है वो क्या है हाई पावर ट्रांसमिशन के साथ एक्सियल थ्रस्ट को मिनिमम कर देता है जिससे हमारे गियर को रोटेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बाकी का जो देखो बेटा मैं आपको बताता हूं एक चीज गियर के अंदर एक्सियल थ्रस्ट मिनिमम कर देते हैं और इस मिनिमम को भी खत्म कर देते हैं बता रहा हूं कैसे आपको पता ही नहीं ये क्या है सर दिस साफ्ट ये क्या है सर दिस इज गियर साफ्ट और गियर के बीच में कहीं ना कहीं क्या लगा होगा कहीं ना कहीं क्या लगा होगा सर की लगा होगा क्या लगा होगा डियर? की अब ये की जो लगाते हैं ना की से साफ्ट और गियर के बीच में की लगा होगा इस गियर को सेट करने के लिए साफ्ट के ऊपर उसकी के थ्रू हम लोग जो भी थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत एक्सेल ट्रस्ट होता है उसको भी खत्म कर देते हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाँ बिल्कुल मैक विश्वा बिल्कुल राइट मैक विश्वा यू आर राइट थोड़ा ध्यान से देखना एक्सेल ट्रस्ट मिनिमम होगा अब मिनिमम कैसे होगा अब इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं पहली बात तो बता देता हूं इसके अंदर एक्सेल ट्रस्ट मिनिमम होता है और उस मिनिमम को भी खत्म करते हैं किसके थ्रू की के थ्रू तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा की के थ्रू हम क्या करते हैं ये जो मिनिमम एक्सेल ट्रस्ट है उसको भी खत्म करते हैं ठीक ना सिस्टम के अंदर वो भी खत्म करते हैं अब देखो ध्यान से थोड़े मिनिमम हुआ तो हुआ कैसे असिस्टेंट ने सर क्या सोच लिया सर डबल हेलिकल गियर ध्यान से सुनिएगा ठीक है ना मेरी एमटेक का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला बनाया हुआ हाथों हाथ चीज ठीक है ना मैंने एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा हो तो पहला तो एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आ, दो तीन चार महीनों के अंदर मैंने एक पेपर पब्लिश किया देन उसके जस्ट बाद एक गियर बनाया था मैंने अपने हाथों से वहां ठीक है ना अपने लैब में तो वो था गियर डबल हेलिकल गियर गियर सेटिंग के थ्रू बनाया था डबल हेलिकल गियर था वो आज भी मेरे पास रखा है ठीक है यू कैन सी दिस देखो ध्यान से जबकि वहां के लैब से लाना मुश्किल है तो तो उन्होंने उन्होंने मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने ये डबल हेलिकल गियर मुझे दिया था क्योंकि जितने भी थे एमटेक में उसमें सबसे अच्छा गियर बनाया था फिनिशिंग बहुत अच्छी थी गियर सेपिंग के अंदर क्रिएट किया गया था बहुत ही दिमाग लगा के फीड जो देना होता है ना फीड तो बहुत ही रुक रुक जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन वन का तीन बार फीड देता था मैं और ऐसा करके मैंने नौ बार फीड दिए थे टोटल तब जाके मैंने गियर टीथ क्रिएट किया था उस पर सेपिंग के थ्रू कि ना वो मेरे को याद है आज भी मैंने वो प्रैक्टिकल बनाया था तो यू कैन सी दिस तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये गियर का ये हुआ कैसे एक्सेल थ्रस्ट मिनिमम हुआ कैसे अब इसको देखकर वो याद आ जाता है मेरे को अब एक्सेल थ्रस्ट मिनिमम इसलिए हुआ बेटा देखो जरा ध्यान से ये क्या है ये क्या है सर दिस इज द राइट हैंड सोरी दिस इज द लेफ्ट हैंड हेलिकल यस और नो ठीक है ना लेफ्ट हैंड हेलिकल है तो पी कॉस साई इधर आ रहा है जी सर आ रहा है अच्छा इसके जस्ट बगल में अगर मैं राइट हैंड कर दूं तो पी कॉस साई इधर आएगा आएगा तो बेटा इसका पी कॉस साई का डायरेक्शन इधर है इसका पी कॉस साई का डायरेक्शन इधर, इधर ये दोनों क्यों हो जाएंगे कट जाएंगे बिल्कुल सर इसका पी कॉस साई का डायरेक्शन इधर इसका इधर तो दोनों कट जाएंगे फिर एक चिंटू भागता हुआ आया मेरे पास मैंने कहा क्या हुआ कहता है सर मैंने कहा क्या कहता है सर जब एक दूसरे को काट देंगे तो आपने वर्ड मिनिमम क्यों लिखा है फिर कर दीजिए जीरो जब काट ही देंगे तो जीरो कर दीजिए मैंने कहा मेरे भाई सुन ध्यान से कहता क्या हुआ सर मैंने कहा ये जो एंगल है ना दिस इज हेलिक्स एंगल इसका वैल्यू वेरिएट करता है हम हेलिक्स एंगल हम कभी सेम नहीं रखते ठीक है ना हेलिक्स एंगल कभी सेम नहीं रखते हैं इसका कुछ अलग कुछ भी हो सकता है डिफरेंट दिफरें डिफरेंट हेलिक्स एंगल पे और डिफरेंट डिफरेंट हेलिक्स एंगल पे है मेरे भाई तो उसका एक रिजल्टेंट निकलेगा ठीक है ना जैसे मान लो तुम कुछ ऐसे निकलेगा कि एक वॉल है इधर से दस दे रहा है तो इधर से नौ आ रहा है तो इनका एक रिजल्टेंट निकलेगा एक निकलेगा तो वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा मिनिमम होगी ठीक है ऐसा नहीं कि इधर दस इधर दस अपने मन से मत सोच लेना अपने मन से मत सोच लेना कि इधर का भी पीक ऑस्ट इधर का भी पीक ऑफ साई होगा पीक ऑस्ट बट दोनों का अलग, अलग अलग एंगल पे देखोगे तो दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट दिखाई देगा दैट इज मिनिम वैल्यू कम दिखाई देगी क्लियर ठीक है ना इतनी बात तो समझ में आ गया होगा ठीक है तो आपसे अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे क्या डबल हेलिकल गियर ना तो जानते हो कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डबल हेलिकल गियर से पहला चीज पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसका दूसरा नाम हैरिंग बोन गियर डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम क्या है तो डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम है हैरिंग बोन गियर और काम क्या करता है मिनिमम कर देता है एक्सेल ट्रस्ट को मिनिमम एक्सेल ट्रस्ट काम क्या करता है तो एक्सेल ट्रस्ट को क्या कर देता है मिनिमम कर देता है दैट्स इट इसका दो ही काम है ध्यान रखना है. एक तो इसका नाम है एक इसका काम है बस यही इसका चीज है है ना तो अब हम क्या होता है मेरी बात समझने की कोशिश करना अब देखो इस पर गियर को हमने मॉडिफाई किया तो क्या जन्म लिया क्या जन्म लिया हेलिकल अब हेलिकल के अंदर एक डिसएडवांटेज आया उसको मोडिफाई किया तो क्या जन्म लिया डबल हेलिकल गियर तो और कुछ बचा मोडिफाई करने को बॉस पूछता असिस्टेंट से, से और कुछ बचा मोडिफाई करने को कहता नहीं सर तो कहता एक काम कर कहता एक काम कर हो गया कहता क्या हो गया सर कहता हो गया पैरेलल शाफ्ट का कहानी खत्म पैरेलल शाफ्ट पे आज तक इतिहास का सबसे बेस्ट गियर हमें मिल गया दैट इज डबल हेलिकल गियर जिसके अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं ठीक है इज दैट क्लियर क्लियर है तो मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट होता है डबल हेलिकल गियर का नाम ये है ठीक है ना हेरिंग बोन गियर क्लियर तो डियर दो एक्सेस दो साफ्ट जब पैरेलल होते हैं तो उस उसपे सबसे बेहतरीन गियर क्या है डबल हेलिकल गियर अगर डबल हेलिकल गियर का खर्चा नहीं उठा सकते हो तो क्या लगाओगे हेलिकल गियर लगाओगे और अगर हेलिकल गियर बेटा हाई पावर ट्रांसमिशन तक तो हेलिकल गियर है और अगर लो पावर पे चलाना है तो इस पर किया यू गेटिंग माई पॉइंट तो आपको ये तीन चीजें क्लियर है थ्यूरी के साथ साथ आपको सारी चीजें क्लियर है बोलो हाँ ना। ठीक है ना आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया था यहां यह क्या है डियर यह है गियर बॉक्स यहाँ क्या चाहिए हाई पावर पे ट्रांसमिशन चाहिए बिल्कुल सर बेटा देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना सारे के सारे टीथ इंक्लाइंड है यह सिंगल हैियर है एक्सीय थ्रस्ट हो रहे होने दो कोई दिक्कत नहीं है कीवी लगा के सेट कर देते हैं ये लोग थोड़ा बहुत तो होते रहता है है कोई दिक्कत नहीं उतना चलता ठीक है ना डबल हेलिकल गियर का खर्चा नहीं उठा सकते हो कॉम्पैक्ट में काम करना है तो सिंगल हेलिकल गियर लगाओ की लगाओ की का काम होता है एक्सेल थ्रस्ट को मिनिमाइज कर देना की लगा के खत्म कर दो कहानी आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात समझ में आ गई अगर डबल हेलिकल गियर लगा सकते हो तो मैं उसका खर्चा झेल सकते हो तो वो बेस्ट है ठीक है ना अगर सिंगल हेलिकल गियर लगाना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है झेल सकते हो उसको की लगा के अच्छे से देन अगर लो पावर ट्रांसमिशन में चलाना है तो इस पर गियर बेस्ट है तो का टेंशन हमारा हुआ खत्म यस और नो की टेंशन हो गई हमारी खत्म अब इंसान की इच्छा जानते ही इंसान की इच्छा तो बहुत खतरनाक इच्छा होती है वो तो कभी पूरी ना होने वाली इच्छा होती है ठीक है ना तो मेरे भाई अब देखो क्या हुआ सर साफ्ट को एक काम करते हैं इंटरसेक्ट कर देते हैं अच्छा उससे पहले एक रैक एंड पिनियन का कहानी थोड़ा सा बता देता हूं देखो रैक और पिनियन के बारे में थोड़ी सी चीजें रैक और पिनियन के बारे में थोड़ी सी चीजें रैक और पिनियन को मैंने यहां क्या लिया क्यों लिया मैं आपको थोड़ी सी चीज मैं यही समझाता दिस इज द एक्सिस एक्सिस है ये किसकी एक्सिस है सर दिस इज पिनियन दिस इज वट और ये क्या दिस इज रैक्ट अब तुम कहोगे कि इसका एक्सिस कैसे पैरल है हाउ किज दिस पॉसिबल मैं कहूंगा इसका एक्सिस यहीं से आ रहा है ठीक है ना तुम भरोसा नहीं करोगे फिर मैं आपको बताता हूं दुनिया में सारे के सारे गियर जो हैं वो सर्कुलर माने गए सारे के सारे गियर कैसे माने गए सर्कुलर माने गए और सारे गियर सर्कुलर माने गए उसके बीच में एक आया रैक रैक कहता मैं तो सर्कुलर हूं नहीं मैं तो स्ट्रेट हूं कहते हैं तो ये काम करते हैं तेरे को ये बोलेंगे आज से इतिहास में कि इनफाइनाइट सेंटर है तेरा रोटेशन का जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है आपको आई सेंटर पढ़ाया मैंने अभी थोड़े दिन पहले वहां क्या सिखाया कि जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उसका सेंटर कहां होता है इनफाइनाइट पे होता है आई सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां होगा इनफाइनाइट पे तो रैक का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहां होता है इनफाइनाइट पे और इनफाइनाइट ऑलवेज इसके क्या होता है पैरेलल कोई भी लिंक अगर मोशन कर रहा है उसके इनफाइनाइट जो होता है उसके पैरेलल खींचा जाता है हमेशा ध्यान रखना ठीक है ना तो यू कैन सी दिस यहां भी मैंने यहां ये यह वर्ड यूज किया है ठीक है ना प्लेस एट इनफाइनाइट वर्ड यहां मैंने, यहां, ठीक है ना इसका काम क्या होता है बिल्कुल आप देख सकते हो इट इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब लीनियर मोशन टू द रोटरी मोशन कुछ भी कर सकता है ठीक है ना इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा है सिस्टम में ध्यान रखिएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है ना तो आई मतलब रैक और पिनियन का इतना बड़ा खेल नहीं है रैक पिनियन का खेल अभी आगे आएगा एक बार और आएगा ठीक है ना तो पैरल अब इसके बाद बात करते हैं गियर आर गियर फॉर इंटरसेक्टिंग साफ्ट इंटरसेक्टिंग साफ्ट यू कैन सी दिस सबसे पहला नाम इंटरसेक्टिंग में जो हमारे सामने आता है वो आता है बेवल गियर क्या आता गियर बेवल नाम क्यों रखा गया साइंटिस्ट का नाम है क्या अरे नहीं ये जो प्रोफाइल कट किया गया ना इसके ऊपर ये जो सेप आप देख रहे हो इसका कौन सा टीथ का प्रोफाइल नहीं 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 इसका जो प्रोफाइल देख रहे हो इधर कम आ पीछे ज्यादा ये जो प्रोफाइल देख रहे हो तुम इसका दिस इस प्रोफाइल इज कॉल्ड बेवलिंग प्रोफाइल और बेवलिंग प्रोफाइल की वजह से इसका नाम रख दिया गया बेवल ठीक है ना सुनो मेरी बात इसका एक्सिस ऐसे आ रहा है इसका एक्सिस ऐसे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है तो गाइश एक चीज ध्यान रखना जब गियर इंटरसेक्टिंग साठ पे चलेगा तो हमेशा एक लाइन याद रखना देखो द गियर आर यूज टू इंटरसेक्टिंग साठ आर कॉल्ड डेबल गियर तो हमेशा एक बात याद रखना क्या वो गियर हमेशा एंगुलर पावर ट्रांसमिशन करेगा ठीक है ना एंगुलर पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है पावर ट्रांसमिशन ठीक है ना? जब भी दो गियर किसी इंटरसेक्टिंग के थ्रू गुजरेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एंड जन्म लेगा एंगुलर पावर ट्रांसमिशन मतलब ये गियर हमेशा एंगल पे पावर ट्रांसमिट करते हैं ठीक है ना तो पहला तो क्वेश्चन हो जाएगा कि गियर अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो क्या है बेबल गियर है ठीक है ना और बेबल गियर क्या करता है एंगुलर पावर ट्रांसमिशन करता है ठीक है ना ध्यान रखिएगा अच्छा क्यों क्योंकि एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा दो चीजें आपस में कट करेंगे तो एंगल बनेगा और एंगल बनेगा तो एंगुलर पावर ट्रांसमिशन दैट्स इट बेबल गियर कुछ टाइप्स होते हैं ठीक है ना कुछ टाइप्स होते हैं यू कैन सी दिस स्ट्रेट बेबल गियर स्पाइरल बेबल गियर मिटरे गियर जिरोल गियर ये है क्या थोड़ा सा इसके बारे में सर बता देते देख लो स्ट्रेट बेवल गियर तीत है। कैसे हैं सीधे सीधे एकदम देखो ध्यान से स्ट्रेट बेवल गियर एकदम ध्यान से देखना जरा, तीत कैसे हैं डियर टीत आर स्ट्रेट तीत कैसे हैं डियर? देखो इस पे तो भी देखो तीत सीधे हैं बिल्कुल स्पाइरल में एक वर्ड आ जाएगा दैट इज कर्ड टी तार घूमता ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब हुआ जाता है टीत उसके अंदर जो जाता है वो जो आपका उसके अंदर स्प्रिंग जो लगा होता है स्पायरल पे जाता है ठीक है ना स्पाइरल जो होता है वो कर्ड से देखा जाता है ठीक है ना गियर क्या होता है थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं अभी अभी थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला इसको रोक दो अच्छा जीरोल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं जीरोल की बात करता हूं मेरे बच्चे ध्यान सुनना इसके जो टीथ होते हैं इसके जो टीथ होते हैं साफ्ट की एक्सिस के साथ साफ्ट की एक्सिस के साथ एकदम पैरल होते यू कैन सी दिस देखो यही है यही है सेम टू सेम ना बस थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि इसका जो फेस होता है यह थोड़ा बड़ा होता है यह भी फेस थोड़ा बड़ा होता है ना इसका जो टीथ होता है बारे में ठीक है ना अगले वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के अंदर तब मैं आपको इसी पेज पे फिर से लाऊंगा हाँ मैं कह रहा था मैं मिटरे के ऊपर ज्यादा अच्छा से बात करूंगा एक बार यहाँ आइए ध्यान से मैं बात करने जा रहा हूं इस पर मिटरे गियर सुनिएगा बेबल गियर के अंदर एक टाइप है क्या मिटरे गियर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं देखिए होता क्या है आ, जब भी साफ्ट एक्सेस एक दूसरे से कितने डिग्री पे बेटा एक दूसरे से कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे कट करें मतलब जब भी साफ्ट की एक्सिस एक दूसरे से कितने पे हो 90 डिग्री पे कोशिश करते हैं बनाने की अगर डिजाइन थोड़ा गलत बन जाए क्षमा करें ठीक है पूरी कोशिश की गई है बनाने की दिस इज वन दिस इज टू और दिस इज वॉट दिस इज द मैटिंग मतलब जहां मैच किया जहां आपस में क्या किया मैशिंग किया नाउ बच्चों लोग यू कैन सी दिस अब दिस इज द गियर वन एंड दिस इज गियर टू ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है नब्बे डिग्री मीन्स नाइन्टी डिग्री पावर ट्रांसमिशन हो रहा हो ठीक है ना 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिशन हो रहा हो दिस इज कंडीशन नंबर देखो एक बेवल गियर गियर कब कहलाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिशन हो दिस इज द कंडीशन नंबर वन एंड सेकेंड कंडीशन इज गियर वन एंड गियर टू एकदम सेम साइज के हो सेम के हों सेम साइज ऑफ गियर वन एंड टू दोनों का साइज क्या हो एक जैसा हो बोले तो अगर दोनों का साइज एक जैसा है इसका मतलब गियर रेशियो कैसा होगा गियर रेशियो क्या होगा वन होगा क्यों भाई क्यों 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 बेटा गियर रेशियो भी पढ़ाया नहीं है लेकिन एक बात बताना चाहूंगा गियर को जी से डिनोट करते हैं जिसमें होता है डाया ऑफ गियर अपॉन डाया इसका रेशियो भी देखते हैं हम लोग अगर दोनों सेम साइज का हुआ मतलब दोनों आपस में इक्वल है अगर दोनों आपस में इक्वल है तो ये क्या होगा आपस में बराबर होगा और ये क्या होगा वन के बराबर हो हाँ या ना हाँ या ना यस और नो सर एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर नहीं हुआ बेटा वो आगे होगा काइनामेटिक सिंगल स्लाइडर का बेटा वो क्वेश्चन करा दिया मैंने मैंने डेरिवेशन वगैरह वाला जो पार्ट है काइनामेटिक एनालिसिस डायनामिक एनालिसिस वो मैं अभी कराऊंगा लास्ट में गियर के बाद वो मैं कराऊंगा ताकि मैं आपको फ्लाई व्हील उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ा सकूं ठीक है ना तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा हाँ कहीं -कहीं, कहीं कहीं पहले होता है कहीं कहीं पहले होता है कहीं कहीं बाद में पढ़ाया जाता है वो अब देखो मेरा टेक्निक है मेरा अपना फंडा है ठीक है ना मैं अपने तरीके से चलता हूं आई सेंटर तुम्हें पढ़ाया। आई सेंटर के तुमने अच्छे से कर ली। ठीक है done. Kinematic analysis, gear के बाद मैं करूंगा, then उसके बाद उसके just flywheel, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए फिर गवर्नर देन बैलेंसिंग जायरोस्कोप ऐसे करके चलेगा ठीक है ना कैम्प फॉलोवर सबसे लास्ट ठीक है ध्यान रखना अब मैं बात कर रहा हूं डियर व्हाट इज द गियर रेशियो गियर रेशन ठीक है ना अच्छा देखो बाद में क्यों करा रहा हूं कैनामेटिक गियर के जस्ट बाद रीजन ये है कि तुम्हारा पीछे का ना विलोस्टी और मैकेनिज्म का एक बार रिविजन हो जाएगा गियर खत्म होने के जस्ट बाद अब वो इसी मंथ में हमें लग रहा है इस मंथ में हम लोग फ्लाईविल तक पहुंच जाएंगे फ्लाईविल खत्म हो जाएगा इसमें हमें जो लग रहा है ठीक है ना गियर खत्म हो जाएगा काइनामेटिक एनालिसिस डायमिक फ्लाईविल खत्म हो जाएगा गवर्नर भी हमारा लग रहा है गवर्नर में पूरा दम लगाएंगे गवर्नर भी खत्म कर ही दे ठीक है ना तो 90 परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस महीने के अंदर तो गियर रेशियो जो है हमारा क्या है डियर ओ है गियर रेशियो डाय ऑफ गियर टू द डाय ऑफ पिनियन दैट इज इक्वल टू वन ओके डियर ओके डियर सो माय डियर फ्रेंड यहां दो कंडीशन आई क्या गियर रेशियो वन होना चाहिए और 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए अगर कोई ये दोनों कंडीशन वैलिड करता है कोई बेवल गियर कोई बेवल गियर अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड करता है तो उस बेवल गियर को हम क्या नाम देंगे मिटरे गियर मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना सेम साइज सेम साइज का मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के जैसा हो और आप तो ये जानते ही हो जब दो लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं वो दोनों आपस में क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स बन जाते हैं क्या बन जाते हैं फ्रेंड फ्रेंड को हिंदी में क्या कहते हैं मित्र आपस में क्या बन जाते हैं दोनों अगर एक दूसरे के जैसे हैं दोनों एक दूसरे के जैसे हैं ठीक है ना तो आपस में क्या बन जाते हैं मित्र बन जाते हैं और ऐसे गियर को हम क्या कहेंगे मित्र गियर ठीक है ना तो मित्र गियर याद रखिएगा तो दोनों सेम साइज का हो गियर रेशियो वन हो नाइनटी डिग्री पावर ट्रांसमिट हो इज दैट क्लियर ठीक है ना इज दैट क्लियर ठीक है इज दैट क्लियर ओके वाला बेटा वो अभी शॉर्ट वीडियो में आएगा बोला था ना वो आ जाएगा टेंशन ना लो ठीक है ना तो मिटरे गियर का मतलब समझ में आ गया डियर मिट्रे गियर का मतलब समझ में आ गया डियर बिल्कुल आ गया चलो तो गियर रेशियो वन हो गया सेम साइज ऑफ गियर एंड हो गया सारा कहानी खत्म 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट कर रहा और का चाहिए। है और कहा अच्छा इसका यूज कहां है अच्छा एक चीज बताओ जब गियर रेशियो वन होगा तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी सर सेम होगी गियर रेशियो वन होगा तो इसकी स्पीड भी सेम होगी इसका टीथ भी सेम होगा टीथ का रेशियो भी सेम होगा सॉरी टीथ भी सेम होगा डाया भी सेम होगा सब सेम ठीक है ना तो 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन करेंगे और इन दोनों का स्पीड सेम हो इसका यूज कहां करते हैं इसका यूज करते हैं गवर्नर में आगे एक चैप्टर पढ़ोगे गवर्नर गवर्नर आते ही मैं गवर्नर का फिगर बनाते ही नीचे में सबसे पहले इंजन के साथ कनेक्ट करूंगा मिटरे गियर आपको मैं दिखाऊंगा आपको मैं याद दिलाऊंगा ठीक है ना जब गवर्नर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको याद दिलाऊंगा यह चीज ठीक है ना यस ठीक है तो मिट्रे गियर एक टाइप का हमारा बेवल गियर ही है बेवल गियर ही है, बस उसके अंदर ये दो कंडीशन फॉर वैलिड होने चाहिए ठीक है चलो तो डियर ये था हमारा बेवल गियर जो इंटरसेक्ट करता है बेवल गियर कई टाइप से जेरोल और मिटरे हाईपॉइड को मैंने अभी नहीं किया है एक मिनट वेट करना मैं हाईपॉइट आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा देखो गियर्स फॉर स्क्यू साफ्ट ये क्या है थोड़ा सा मैं अब इसके ऊपर चर्चा करता हूं एक हाईपॉइट गियर आएगा एक वॉम गियर आएगा स्क्यू साफ्ट का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान सुनना स्क्यू साफ्ट का मतलब क्या है स्क्यू साफ्ट का मतलब है कि ये आपको ना ही पैरेलल होंगी ना ही इंटरसेक्ट क्यों नहीं ना, इस का मतलब यही होता है कि ऐसी गियर जो ना ही पैरल होंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगे जैसे, देख, यहां का एक्सेस देखो ना क्राउन गियर है और इसको कहते हैं पिनियन. दिस क्राउन गियर दिस इज ठीक है ना क्राउन गियर का एक्सिस ये है और इसका एक्सिस ये क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है नहीं सर एक ऊपर से जा रही है एक इधर से चली जा रही है तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो बेटा ये दिख कैसा रहा है सर बैवल की तरह ही दिख रहा है बट ये बैवल है नहीं ये स्क्यू बैवल है स्क्यू बैवल मतलब ना पैरल ना इंटरसेक्टिंग और दिख बैबल की तरह रहा है ठीक है ना सुना है यस और नो ठीक है ना यस और नो सुना है बिल्कुल चलो इसको देखिए ध्यान से अभी मैं आप लोगों के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनका रिप्लाई अभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगा मिस्टर खान पंद्रह बीस मिनट और रुक जाइए मैं आपका हर एक चीज का रिप्लाई कर दूंगा बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा बेटा अभी मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगा ठीक है ना यहां देखो ध्यान से इसकी एक्सिस क्या है यह है और इस इसकी एक्सिस क्या है यह है। एक दूसरे के कनेक्शन नहीं ले रहा ठीक है ना सबसे पहला गियर आया हाईपॉइड यहां आप लोगों ने वही हाईपॉइड देखा था ये आपने वही हाईपॉइट देखा था पर तो ध्यान से देखिए हाईपॉइड गियर हाईपॉइड गियर जो होता है बेटा हाइपरबोलाइड ऑफ द रिवॉल्यूशन ये जो वर्ड लिखा है आप यहां एक वर्ड पढ़ो जरा ध्यान से हाइपरबोलाइड ऑफ रिवॉल्यूशन ठीक है ना इसके हाइपरबोलाइड पे घूमता है है ठीक ना इसीलिए नाम इसका क्या हाइपोइड है इसीलिए इसका नाम रखा गया हाइपोइड गियर ओके दीज गियर।, गियर आर नॉन इंटरचेंजेबल ये जो वर्ड लिखा है ना इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ये गियर आपस में कभी इंटरचेंजेबल नहीं है इसका मतलब इंटरचेंजेबल का मतलब कि अगर ये घूम रहा है तो ये घूम रहा है ये घूम रहा है तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा ये नहीं ठीक ना नॉन इंटरचेंजेबल ये कभी इंटरचेंजेबल नहीं होती है ठीक है ना यू कैन सी दिस द रिलेटिव मोशन दिस गियर कंसिस्ट ऑफ पार्सली रोलिंग एंड पार्सली स्लाइडिंग अलोंग द कॉमन लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ध्यान रखना ध्यान रखो इन सब बातों को बस एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है नहीं आया तो कोई बात नहीं आपको अगर इसका फिगर याद रह गया आपको इसका मोशन याद रह गया तो आप सब कुछ कर सकते हो ओके यू कैन सी दिस क्राउन गियर हम इसको कहते हैं ठीक है ना क्राउन गियर हम इसको कहते हैं अब ये कहां लगा होता है बेटा आपको देखने मिलेगा अभी आगे चलोगे मैं आगे चल के डिफरेंशियल वगैरह भी आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ना तो आपको यूजेस वगैरह में आपको दिखाऊंगा ठीक है ना तो ये हमारा क्राउन गियर है क्राउन गियर के ऊपर ये हमारा पिनियन क्या करता है रोटेट करता है बट इसमें क्या होता है स्क्यू वर्ड जो है ना स्क्यू का मतलब क्या है एक ऑफसेट लेता है जो पिनियन होता है ना ये ऑफसेट लेता है और बेवल गियर अगर यही चीज बेवल गियर होती तो क्या होता है ये एक्सिस पे होता है ना ध्यान रखिए अच्छा इसके अंदर एक आता है वॉर्म गियर थोड़ा सा मैं वॉर्म गियर के ऊपर चर्चा करता ठीक है ना सुबह सुबह हम लोग जाते हैं जूस पीने जूस वाले भैया की दुकान पे और वो क्या करते हैं भैया मौसमी का जूस निकाल दो भैया मौसमी का जूस निकालते हैं आप लोगों ने देखा होगा मौसमी का जूस जब वो निकालता है बंदा ऊपर से मौसमी डालता है ये दबाता और ये घुमाना चालू ऐसे जूस निकलना चालू ठीक है ना अननास का जूस खाना भैया जूस डाला अननास डाला ये दबाया ये घुमाना चालू जूस बाहर ठीक है ना सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह जाना जब वो भैया तुरंत लेकर आया होता भैया अब यहाँ जूस का दुकान पे तो उससे कहना वो अपना मशीन धुलता रहता है उससे एक बार कहना कि भैया एक बार मशीन ओपन करके दिखा दो तो भैया वो जब अपना मशीन दिखाएगा ना तो उसके अंदर आपको एक गियर दिखाई देगा दैट गियर इज वॉर्म गियर ये होता क्या है देखो ये हमारा वॉर्म ये हमारा वॉम व्हील मैं लिख देता हूं दिस इज अम एंड दिस इज अ व्हील दिस इज वॉर्म एंड दिस इज वॉर्म व्हील वॉर्म और वॉर्म व्हील ध्यान से देखिएगा इसकी एक्सिस हमारी ये है ठीक और इसकी एक्सिस ये है दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग है नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग है मेरे भाइयों ध्यान से देखना ठीक है और लाइक like बटन आप लोग दबाते रहेंगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ठीक है यू कैन सी दिस नॉन पैरल नॉन इंटरसेक्टिंग है ठीक है अब होता क्या है वॉर्म के ऊपर थ्रेड कट होता है और वॉर्म व्हील के ऊपर क्या कट होता है डियर

यू कैन सी दिस मतलब आपको यहां देखने को मिलेगा यू कैन सी दिस दिस इज द ड्राइवर दिस इज द ड्रीवन जो ड्राइवर है वो ऑलवेज ड्राइवर ठीक है ना अब मान लो मैं कहता हूं बेटा कुछ ऐसा है अब ये ड्राइवर था और ये ड्रीवन था तो हम अगर इसको घुमा रहे हैं तो ये भी घूम रहा है आया ना ये सर हम अगर ये घुमा रहे हैं तो ये भी घूम रहा है बिल्कुल अगर मैं बात करता हूं कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं भाई, बस मैं करता इसलिए नहीं हूं क्योंकि कम लगता है इसको ड्राइवर बनाया। लेकिन मैं चाहूं तो इसको घुमाऊं तो ये नहीं घूमेगा बिल्कुल घूमेगा सर सो ये रिवर्सिबल है मतलब ड्राइवर को ड्रिवेन, ड्रिवेन को ड्राइवर हम चेंज कर सकते हैं दिस इज रिवर्सिबल द केस ऑफ वॉर्म गियर ऐसा पॉसिबल नहीं है दिस इज रिवर्सिबल ठीक है ना आप देखो ये सबसे खतरनाक लाइन यही लाइन में आपको सिखाना चाहता हूं वेयर यूज लार्ज रिडक्शन रेशियो ये लार्ज रिडक्शन रेशियो क्या है थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से हाई रिडक्शन रेशियो का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करना चाहूं डियर वॉर्म पे अगर सुनिएगा ध्यान से वॉर्म व्हील का स्पीड इतना ज्यादा होता है वम व्हील पूरा एक चक्कर घूम जाता है वॉम व्हील पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो इसका एक टीथ आगे बढ़ेगा क्यों क्योंकि वॉम व्हील पूरा एक चक्कर घूमेगा ना तो एक पिच आगे बढ़ेगा आप लोग जब नट एंड बोल्ट टाइट करते हो तो जरा ध्यान से देखो हम इसको एक रोटेट रोटेटर देते हैं ना तो इससे क्या होता है एक पिच आगे बढ़ता है ये मतलब एक थ्रेड आगे बढ़ जाता है जब इसको रोटेट कराते हैं तो एक थ्रेड आगे बढ़ जाता है बोलो हाँ है। जी सर जब इसको एक रोटेशन एक पूरे रोटेशन पे एक थ्रेड आगे बढ़ेगा मतलब एक पिच आगे बढ़ेगा और एक पिच आगे बढ़ने पर इसका एक टीथ रोटेट करता है ठीक है मैं अभी आपको अगले पेज पर लेकर चलता हूं ठीक है ना एक हो गया वॉर्म एक हो गया वॉर्म व्हील ठीक है ना अगर ये फुल रोटेशन लेगा अब सुनना मेरी बात ये वन फुल रोटेशन लेगा ना इसके ऊपर होता है थ्रेड इसके ऊपर होता है टीथ एक फुल रोटेशन लेगा तो इसका एक टीथ मूव करेगा वन टीथ मोशन एक टीथ आगे बढ़ जाएगा दैट्स इट मतलब एक फुल रोटेशन लिया तो एक टीथ आगे बढ़ा अगर मैं कहता हूं बेटा कि वॉर्म के ऊपर मान लो साठ टीथ है लेटर सपो मान लो इसके ऊपर साठ टीथ हैं, तो इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देने के लिए इसको कितना बार घूमना पड़ेगा सर साठ मिनिमम साठ यस और तो मेरे भाई इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देने के लिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देने के लिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देने के लिए, लिए व्हील को इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा सिक्सटी टाइम पुल रोटेशन यस yes बोलो no. हाँ इसका मतलब है कि अगर कोई गियर से किसी भी चीज से स्पीड को कम करना है जैसे होता है ना कहीं कहीं हमें स्पीड कम करके पहुंचाना होता है नहीं तो टीथ वगैरह सब टूट जाएगा तो हम वहां क्या करते हैं हम लगा देते हैं वील ठीक है ना कि यहां हम वो कनेक्ट करते हैं जहां बहुत ज्यादा स्पीड है ठीक है ना उसको कनेक्ट करते हैं और वहां से हम लोग ये ले, ले लेते हैं यू कैन सी दिस यस ठीक है यहां हम वो कनेक्ट करते हैं जहां हमें बहुत ज्यादा स्पीड है और यहां से जो निकलता है वो मिनिमम स्पीड निकलता है यू कैन सी दिस जब इसको आप साठ बार घुमाएंगे तो ये एक बार घूमेगा क्या हुआ स्पीड को कट गया यस और नो स्पीड कम हो गया यस yes सर तो बेटा ये तो रेशियो है ये तो रेशियो है सिक्सटी रेस टू वन ये क्या है सिक्सटी रेस टू वन अगर मैं यहां लिखू ऐसे one, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो साठ की साठ साठ बार अगर ये घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा यू कैन सी दिस कभी कभी क्या होता है यू कैन सी दिस सॉरी कभी कभी क्या होता है ये इतना छोटा होता है कि घूमते रहेगा और ये दो तीन बार घूम जाएगा तो ये एक जाएगा ठीक है ना चलिए तो अगर आपसे कोई वॉम गियर के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वॉम गियर के अंदर आपसे वो एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेगा और वो क्वेश्चन है ये वॉम तो गियर के अंदर क्या होता है हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो होता है ठीक है ना हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो होता है वॉर्म गियर के अंदर ठीक है ना एक्सेस आर नॉन पैल नॉन इंटरसेक्टिंग होती है और हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो होता है इस चीज को ध्यान रखना है तो वार्म गियर के अंदर इज दैट क्लियर क्लियर है यस और नो क्लियर है जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ ठीक है ना तो वार्म गियर के अंदर क्या होगा हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो होगा और हाईपॉइड के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हाईपॉइड का भी नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन सॉफ्ट नॉन इंटरचेंजेबल ये सब होता है ठीक है ना ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने तो डियर ये था हमारा एक्सिस ऑफ साफ्ट के थ्रू गियर को डिफाइन करना क्लासिफिकेशन ये था गियर का एक्सिस ऑफ के थ्रू ध्यान रखिएगा और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं जैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी एक है लो वेलोसिटी गियर एक है मीडियम वेलोसिटी गियर एक है हाई वेलोसिटी गियर ऑन द बेसिस ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी जैसे जीरो से थ्री दिस इज लो वेलोसिटी गियर अगर आपका जीरो से थ्री मीटर पर सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी दिस इज मीटर पर सेकेंड है अगर मैं बात करूं जीरो से लेकर तीन मीटर पर सेकेंड तक अगर आपका गियर का आपका वेलोसिटी है अगर आपका जीरो से लेकर तीन मीटर पर सेकेंड तक आपका गियर का अगर वेलोसिटी है सो दिस इज लो वेलोसिटी गियर से पंद्रह मीटर पर सेकेंड तक है तो दिस इज द मीडियम वेलोसिटी गियर और पंद्रह से ज्यादा है, so okay? तो में, में है, यही, यही है याद रखना ये में जाते हैं जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पंद्रह से ज्यादा अगर विलोस्टी है एक गियर का एक स्पीड जो है उसका बीस मीटर पर सेकेंड है पिचलाइन विलोसिटी तो वो कौन सा होगा दिस इज हाई विलोसिटी 3 से पंद्रह के बीच में है तो मीडियम जीरो से तीन के बीच में है तो लो आर यू गेटिंग माय पॉइंट चलो इसके बाद एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग में तीन चीजें होती है बच्चे लोग ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग में तीन चीजें होती हैं ठीक है ना हाँ जस्ट अ सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग में तीन चीजें होती है ठीक ना तीन चीजें होती हैं डियर ठीक है ना और ये तीन चीजें कौन कौन सी है मैं आपको ही बता देता हूं एक होता है हमारा एक्सटर्नल गियर एक होता है इंटरनल एक होता है रैक एंड पिनियन ये तीन टाइप का है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग के अंदर इज दैट क्लियर ठीक है चलो तो अब देखते हैं बेटा एक्सटर्नल गियर क्या होता है इंटरनल क्या होता है और रैक पिनियन क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करनी है सुनिएगा ध्यान से एक्सटर्नल गियर जो होता है ये बाहर बाहर से कनेक्टेड गियर होते हैं इसमें बड़ा वाला जो होता है वो गियर होता है ठीक है ना और स्मॉलर जो होता है वो क्या होता है गियर पिनियन अगर बात करूं ये ऐसे घूम रहा है ये इसके जस्ट अपोजिट घूमेगा ये ऐसे घूम रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट घूमेगा इसका मतलब यह हुआ कि एक्सटर्नल गियर में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रोटेशन होता है मतलब अपोजिट मोशन होता है यस और नो अपोजिट मोशन होता है अगर ये क्लॉक ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक ऐसे घूमते हैं ध्यान रखिए अब बात आई इंटरनल गियर की जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं रिंग गियर जो छोटा होता है इसको हम कहते हैं पिनियन। जो बड़ा होता तो है उसको हम रिंग गियर या एक और नाम है इसका एनुलर एक और नाम है इसका एन्यूलर ठीक है ना एनुलर। एनुलर कह दो या इसको रिंग गियर कह दो छोटा जो होता, वो होता है पिनियन अब देखिए अगर ये ऐसे घूम रहा है इसका मतलब है ये भी ऐसे ही घूमेगा तो इंटरनल गियर का, का काम क्या होता है मेरे भाई तो ध्यान सुनना इंटरनल गियर जो होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेशन देता है क्या होता है सेम डायरेक्शन मोशन ठीक है ना इसमें अपोजिट डायरेक्शन मोशन इसमें सेम डायरेक्शन मोशन ओके इज द इंटरनल गियर यह हमारा इंटरनल गियर है यह हमारा एक्सटर्नल गियर है एंड द नेक्स्ट वन इज वॉट रैक एंड अपनियन अच्छा रैक और बताने से पहले एक चीज पूछूंगा यहां देखो एक स्लॉट कट किया गया किस लिए कट किया गया बताओ जल्दी ये एक स्लॉट कट किया गया बताओ किस लिए कट किया गया तुरंत कमेंट बॉक्स में भर दो यहां एक स्लॉट कट किया गया किस लिए किया गया जल्दी बताओ रैक और पिनियन अब मैं आपको यहां से चीज बताने वाला हूं कि ये ट्रांसलेशन और ये रोटेशन करता है मेरे भाई रैक और पिनियन के अंदर यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि जहां हमें ट्रांसलेशन मोशन की जरूरत होती है वहां हमारे लिए ये गियर सामने आ जाता है इसका यूज कहां करते पहली बात तो इसका लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन आप कुछ भी बोल लो और यह रोटेशन मोशन ठीक है ना इसका यूज कहां करते हैं तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम है स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म ठीक है ना आपको बताया था मैंने स्टीरिंग गियर याद है स्टीरिंग गियर मैकेनिज्म के अंदर रैक और पिनियन का यूज करते हैं जब गाड़ी में स्टीयरिंग लेते हो तो उसके नीचे एक रैक पिनियन लगा होता है डियर ठीक है ना रैक पिनियन का बिल्कुल यस ये क्या है की वेज है वेरी गुड कुछ बच्चों ने सिंबल से तो कुछ बच्चों ने इससे तो बच्चा लोग बस मेरे को ये बताओ कि ये क्लासेस जो चल रही हैं विथ एनिमेशन विथ फिगर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बस ये बताओ एक बार बता दो तो जल्दी से जल्दी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना पूरी की पूरी चीज कोशिश की जा रही है कि आपको हर एक चीज मतलब उस मैनर में दी जाए जिस मैनर में, आप में आपको चाहिए जिस मैनर में आपको एग्जाम में दिखना चाहिए ये सारी चीजें फील होनी चाहिए ठीक है ना आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो ठीक है अच्छा फिफ्टी लाइक हो गया क्या थैंक यू सो मच गाइज देखो फिफ्टी प्लस लाइक होता है ना तो एक लगता है कि हाँ आज मोटिवेशन आया काम करने मजा आया आज ठीक है डियर तो जल्दी से जल्दी बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरे के पूरे एनिमेशन के साथ हर एक चीज के साथ ठीक ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं मजा बहुत मजा आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ना ठीक <coughs> है तो बहुत अच्छी बात है एक चीज और बताना चाहूंगा ये था गियर का क्लासिफिकेशन कल जो अपन करने वाले हैं ये है कल की क्लास का थोड़ा बहुत फिगर कल अपन पढ़ने वाले हैं गियर टर्मिनोलॉजी और आप लोगों को एक मेरे को दो तीन सूचना देनी है पहली सूचना ये कल हम लोग ये टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं पहली सूचना ये कि आज कितनी तारीख है तीन तारीख है आज है सैटरडे और आपको तो पता ही हम हर सैटरडे क्या करते हैं टेस्ट स्पेशल क्लास में टेस्ट लेते हैं बेटा मंडे पांच तारीख से लेकर मंडे पांच तारीख से लेकर इस संडे तो हम छुट्टी रखे इस क्लास का मतलब ये संडे जो है चार तारीख मतलब कल कल इस क्लास का तो छुट्टी है मतलब संडे को टोम का हम क्लास का छुट्टी है बट अगला संडे से एक भी संडे छुट्टी नहीं रहेगा समझ में आ रहा है अगले संडे से एक भी संडे ये मॉर्निंग की क्लास का छुट्टी नहीं होगा बस ये ध्यान रखना कल का संडे बस छुट्टी जा रहा है बट आगे से कोई संडे पे छुट्टी नहीं मिलेगी क्लास से मॉर्निंग साढ़े नौ बजे वाली क्लास के लिए बोल रहा हूं ठीक है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है क्योंकि आप डेली डेली एक डेढ़ घंटा पढ़ते हो तो आपको भी अच्छा लगता है आपका सिलेबस भी जल्दी से जल्दी होता है ठीक है ना तो कोशिश ये करेंगे कि आगे से आने वाले सारे संडे पे आपको क्लासेस दी जाए ठीक है ना कल मॉर्निंग साढ़े कल चार तारीख है तो कल आई थिंक क्लास मॉर्निंग वाली नहीं होगी ठीक है यू कैन सी दिस और हाँ और सबसे बड़ी सूचना एक तो बेटा मंडे को जो है पांच तारीख से अपन गियर टर्मोलॉजी पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फील कॉन्सेप्ट ऑफ द गियर जिससे फील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक चीज ध्यान रखना पांच तारीख को जो होने वाला है बहुत खतरनाक चीज आ रहा है आपके लिए पांच तारीख को तो अच्छा, एक चीज और बताने वाला था वो ये है कि बेटा आज तीन तारीख है और आज है सैटरडे सैटरडे हम करते हैं टेस्ट यू कैन सी दिस सैटरडे हम करते हैं टेस्ट तो स्पेशल क्लास में मैंने रखा है मिनी मॉक टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट कितने मॉक टेस्ट हैं सर पांच मॉक टेस्ट है टेस्ट। किस किस एग्जाम के लिए एच ए एल के लिए यूपीआरबीएनएल के लिए एचपीसीएल के लिए आरबीएनएल ए के लिए सबके लिए रखा है तो भैया ये पांच टेस्ट आपको देना है टाइम <laughs> आपको दिख रहा होगा बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे लगातार लगातार सर लगातारूटूब पर सोम कब शुरू कर रहे हो ऋतिक बेटा आ, सोम जो है रात में ग्यारह बजे अभी एमडी खत्म होगा उसके जस्ट बाद सोम स्टार्ट होगा ठीक ना रात में एक बजे तो, आ, सोम बेटा इस रात में ग्यारह बजे मशीन डिजाइन चल रहा है उसका दो लेक्चर और है दो हाँ दो लेक्चर और है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद सोम स्टार्ट कर रहे हैं डीयर उसमें ध्यान रखना ठीक है ना मिनिमॉक टेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव ये यू कैन सी दिस बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे इसके लिए क्या करना है आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा स्पेशल क्लास में अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड कर लीजिएगा पासवर्ड मांगा जाएगा दैट इज आलोक लाइव पासवर्ड लगाते ही ये सारी क्लास क्या हो जाएगी फ्री क्लास हो जाएगी ठीक है तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी ये पांचों क्लासेस आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ठीक है ना अनअकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो न, नहीं है तो अगर है तो एक नए नंबर से लॉग करो नए नंबर से लॉग करो ठीक है ना टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दूंगा ठीक है डियर इस चीज को ध्यान रखना आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी थोड़ी देर में लिंक भेजने वाला हूं और लगातार टेस्ट है डियर तो मतलब झमाझम जम, पांच टेस्ट है लगातार बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे एक घंटा है अभी खाना पीना खा के सेट हो जाओ फिर उसके बाद पांच घंटे अपने टेस्ट देने ठीक है ना तो माई डियर फ्रेंड आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन सभी लोग इस टेस्ट में जरूर आएंगे प्रॉमिस करेंगे सभी लोग इस टेस्ट में जरूर आएंगे इसका लिंक कहां मिलेगा सर इसका लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव पे ठीक है ना इसका लिंक आपको आई थिंक टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था ठीक है ना आलोक लाइव के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा ठीक है ठीक है ना आलोक लाइव इस टेलीग्राम चैनल इस पे जाओगे इसका पूरा लिंक मिल जाएगा इज दैट क्लियर तो सभी लोग आएंगे दिन में 12 बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे इन आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सभी लोग इसके हिस्सा बने कोशिश ये की जाएगी कि 100 से 150 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस एक टेस्ट में कराई जाए 100 क्वेश्चन तक की तो प्रैक्टिस मैं खुद सोच रहा हूं कराऊं कम से कम ओके ओके okay, डियर <coughs> तो सभी को इसका हिस्सा बनना है सभी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है इंप्रूवमेंट करना है अपने नॉलेज के अंदर स्किल के अंदर सर कौन कौन से टेस्ट होंगे बेटा फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेस्ट होगा फुल मैकेनिकल फुल मैकेनिकल टेस्ट होगा पूरा पूरा मैकेनिकल टेस्ट है इज दैट क्लियर ठीक है ओ थैंक यू थैंक यूज फिफ्टी फाइव लाइक्स के साथ ठीक ना सो गाइस इज दैट क्लियर तो सभी लोग आएंगे इसमें बारह बजे दिन में ध्यान रखना और अगर आप प्लस या आइकोनिक लेना चाहते हो तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा वीकली टेस्ट मिलेगा जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो क्रैश कोर्स करवाते हैं ताकि रिविजन लाइव क्लासेस आपको डेली मिल रहा है बैच चल रहा है आओ जल्दी जल्दी ज्वाइन करो ओके okay? आओ जल्दी जल्दी ज्वाइन करो डियर यू कैन सी दिस ठीक है ना Now, इसके साथ साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस ठीक है ये सारी चीजें आपको इसके अंदर इसके मिलती हैं यू कैन ठीक है ना मेरे बच्चे आइकॉनिक में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट ये सारी चीजें मिलती है क्लियर है यस और नो यस और नो जल्दी जल्दी बताओ ठीक है ना तो आपको यहां क्या करने का है? एक कोड लगाने का दैट कोड इज वॉट ट कोड इज वॉट डियर एक कोड लगाना है दैट इज वॉट दैट इज आलोक लाएग। आलोक लाइफ कोड लगाने का टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा डियर और क्वाइन वगैरह लगाओगे ना तो ट्वेंटी परसेंट हो जाता है तो किस बच्चे को लगता है ना कि दस ही परसेंट बस डिस्काउंट मिल रहा है तो एक बार मेरे को बात करे मेरे से मैं बताऊंगा आपको कि आपको दस से भी ज्यादा मिल सकता है अन अकेडमी ऐप पर कैसे मिलेगा वो प्रोसेस भी बता दूंगा ठीक है ना तो एक बार आप आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आलोक टेलीग्राम चैनल पर आप मेरा नंबर है ठीक है ना आप उससे जाइए मेरे को कॉल करिए कॉमन सेंस मेरे को कॉल करिए हर चीज करिए ध्यान दीजिए आलोक टेलीग्राम चैनल पर जाइए आलोक लाइव कोड लगाइए ठीक है डियर तो गेट एंड सी सब्सक्रिप्शन के अंदर गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाओगे बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने पे आलोक लाइव कोड लगाकर फटाफट ज्वाइन हो जाओगे ओके आइकॉनिक में भी आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है ना दो साल वाला आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा ई का ऑप्शन भी है ठीक है ना अदरवाइज आपको और कैसे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं वो चीजें आप मेरे को कॉल कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो क्वेरी वगैरह में ठीक ना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन मिलते हैं सर सोम के फुल कोर्स होगा ग्यारह बजे मिस्टर uh, खान uh, भी बताऊंगा वो जो सेशन होगा वो किस तरीके से होगा क्या होगा वो बताऊंगा रात में ग्यारह बजे वो अभी आएगा अभी बेटा वो आगे आएगा आने वाले समय पे आएगा टेंशन मत मतलब। ठीक है ना जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या होगा इसमें ठीक है तो डोंट टेक टेंशन तो माय डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन सेशन कैसा लगा एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा मजा आया कि नहीं आया ठीक है ना तो मिलते हैं दिन में बारह बजे जुड़े रहिए हमारे साथ लगे ही हमारे साथ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू गाइस सो देन बाय बाबा तब तक ले सभी को जय हिंद जय जै भारत